नमस्कार दोस्तों, इंडियन गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथ ही साथ ओल्ड इस इन्फो यूट्यूब चैनल में भी आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि ऐसा ही वीडियो जैसा कि लास्ट टाइम हमने बनाया था, उस तरह से हम मिलकर एक वीडियो बनाएं, तो वो हम बनाने जा रहे हैं ABS को सेट करने का। क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी पूछ रहे हैं कि ABS को किस तरह से सेट करें। कुछ लोगों को आता है पहले से, वो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए हम ABS सेट करके अभी बता रहे हैं। बैक साइड में आप एक डिस देख रहे होंगे, वो पहले हमारी सेट की हुई है। यहाँ पे पास में बिल्डिंग बनने की वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो अलग से उसे सेट करेंगे। और उसके लिए यहाँ पर हमें फिर से रिलोकेट करके दोबारा से ABS सेट करके हम आपको बता रहे हैं। तो आप देखते जाइए आगे इस वीडियो को, जिसमें आप में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये वो वाली डिस है जिसपे हम ज़्यादातर जब सेटिंग करते थे और वो आपको बताते थे, लेकिन ये पास में एक बिल्डिंग बन चुकी है, इस वजह से हम यहाँ पे सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको दोबारा से हम सेट करके दूसरी जगह रीसेट कर रहे हैं, इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हमने एक डिवाइडर का टुकड़ा उठा लिया जिसपे हम सेट करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ थोड़ा जगह नहीं मिल रहा है हमें कहाँ लगाएं उसे। तो इस डेस्क को वहाँ से हटा कर यहाँ लगाएंगे, तो हम आपको पूरा बताएंगे। और थोड़ा ये वीडियो लंबा बनने वाला है, लेकिन आप उसके लिए धैर्य रखें आराम से, बहुत सारी चीज़ें आपको आज फिर सीखने को मिलेगी, क्योंकि हम दोनों एक साथ हुए हैं और एक साथ बहुत सारी जानकारियां आपको देने वाले हैं। तो आप देखते रहिए वीडियो को आगे की तरफ। सबसे पहले हमने एक ड्रिल निकाल ली है अपनी, और उसमें हमने जो एलएनके किट, जैसे कि लास्ट टाइम हमने बताया था कि वो जो हम यूज़ करते हैं, ये वाला निकाल लिया है। तो पहले वाली डिस्क हम यहाँ से हटाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बहुत कचरा है, उससे गंदगी, तो यहाँ से हटाएंगे सिंपली। अब जो सिंपल हैं पेच, उनको तो पहले से हम खोल लेंगे बोल्ट्स को, जैसा भी है पॉसिबल है उस तरह से खोल लेंगे। और खोलने के बाद में अब ये जो नीचे के हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको हम थोड़ा सा मैनेज तरीके से हमने ड्रिल से खोलेंगे, थोड़ा ढीला करने के बाद में, और प्रॉपरली बहुत तेज़ी से और फटाफट से सारा काम हम करेंगे अभी इससे, क्योंकि ड्रिल हम यूज़ करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाता है सारा काम। अभी ये चादर भी रखे हुए हैं पास वाले दूसरे पड़ोस के, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हमें अभी। ड्रिल को उल्टा साइड के लिए हमने किया है, और हम देख सकते हैं कितने फास्ट ये खुल गया है, तो ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। उसी तरह से इधर वाले को खोल लेते हैं। तो बेस्ट वे रिलोकेट करने का, किसी भी चीज़ को जल्दी से अगर रिलोकेट करना चाहते हैं डिस्क को, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी ये यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत सारा ये पड़ा हुआ है, तो इसको एक एक करके खोलते हैं सभी चीज़ों को हम। और इसी तरह आपको और भी वीडियो हर संडे को मिलेगा, जो एक हमारा कॉमनली वीडियो होगा, कॉमन हम करेंगे एक साथ, और उसमें बहुत सारा बड़ा वीडियो होगा, बहुत सारी जानकारियाँ। आप टॉपिक आपको सोचना होगा कि इस टॉपिक पर आप वीडियो लेना चाहते हैं, वो आप जो बताएंगे उस टॉपिक पर हम वीडियो देंगे, और उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पे आज जो आपने बताया था कि ABS सेटअप का, तो ABS सेटअप का कंप्लीट वे और किस तरह से करेंगे, क्या क्या उसमें करना है, किस तरह से PP यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इशू यह है कि ये जो है चद्दर है बहुत सारे, उनको हम उठा नहीं पा रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से खोलना चाह रहे हैं, इसलिए हम सीधा ही हम यूज़ कर रहे हैं बिना किसी परेशानी के। वैसे तो बहुत सारी जगह अगर यूज़ करना चाहें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम खोल लेते हैं इसको और वीडियो को एस्केप करते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्क को हटा लिया है नीचे जहाँ लगी हुई थी वहाँ से, और आपको देखिए लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में जैसे आपने देखा था कि रिलोकेशन के लिए किस तरह हम डिस्क को एडजस्ट करते हैं, वो सारा एक एक करके कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ, स्पेशल अभी इसमें यह है कि लास्ट टाइम जो हमने डिस्क में लगाया था वो अप साइड था, अभी अपोजिट साइड में हम इसको फिट कर रहे हैं। जैसा कि पहले इसको नीचे की तरफ से लग रहा था, अभी ऊपर की तरफ ऐसे डायरेक्टली है, तो वो देख सकते हैं पहले की वजह से थोड़ा चेंज है, तो वो आप यहाँ देख पाएंगे। और इसको थोड़ा सेट करना थोड़ा मुश्किल है, तो वो भी हम आपको बता देंगे किस तरह से करना होगा। इसमें थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करना होगा, और यहाँ पे हमें जो मेनली लक्ष्य है ABS के बाद में 138 और 7 East और 9 East West जो है उनको भी सेट करने का हम चाहते हैं, तो वो सारा हमें करना है इसमें। थोड़ा इसको थोड़ा ऊपर करके लगाएंगे, वो आप देख सकते हैं कैसे क्या क्या करना है। तो देखते जाइए वीडियो को आगे, जिसमें आपको बहुत सारी और भी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। अभी जैसा कि हमारे पास में जगह बहुत कम है जिसमें हमें एडजस्ट करना है, तो वो सारा एडजस्ट करेंगे यहाँ पर, और इस छोटे से इसी ब्लॉक पे हम सारा लगाएंगे। नीचे हम नहीं लगाना चाहते क्योंकि बाद में चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दो निशान कर लिए हैं जहाँ पर हमें छेद करना है, और उसके बाद में बाकी और जगह छेद करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से छेद करेंगे,
डिटेल पहले देख चुके हैं आप, लेकिन एक बार फिर से मैं प्रॉपरली बता देता हूँ किस तरह से छेद करेंगे और क्या क्या हमें करना है, सारी चीज़ें आप देख सकेंगे इसमें। ये वाला हैमर बहुत ही मजबूत है, बहुत ही बहुत ही मजबूत, तो इसमें बहुत सारी रोड़ी भरी हुई है पत्थर अंदर, तो इस वजह से ये छेद नहीं हो पा रहा था। आप जो हैमर यूज़ करते हो सिंपल हैमर अगर आपके पास में हो, यानी कि ड्रिल हो, तो ड्रिल काम नहीं करती है, ये हैमर और ड्रिल होती है जिसमें हथौड़े की तरह ये काम करती है और बहुत तेज़ी से यह छेद कर पाती है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है जहाँ से आप खरीद सकते हैं और ले सकते हैं, और अगर लोकल मार्केट में मिलती है तो वहाँ से भी ले सकते हैं, बाकी उस जो साइट्स हैं उन पर भी ये अवेलेबल है। और ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे से काम करती है, आपने देखा कि जैसे कि इतने मजबूत में भी अच्छे से इसने छेद कर दिया है, साथ ही रोटेट होती है उल्टी। इसको उल्टा और सीधा रोटेट किया जा सकता है, मतलब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको उल्टा भी घुमा सकते हैं अगर आप कहीं पे फंस जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उस टाइम पे। यहाँ पे गिट्टी भी बहुत मजबूती से लगेगी, लेकिन इसमें कुछ सपोर्टिंग हमें देना पड़ेगा, वो आप देख सकते हैं किस तरह से सपोर्टिंग लगाएंगे। ये जो गिट्टी है वो आप जो देख रहे हैं वो वीडियो कॉन की स्पेशल इंजीनियर की ओर से प्रोवाइडेड होती है वहाँ से कंपनी से, वो वाली गिट्टी, लेकिन हमें आपको सजेस्ट करेंगे इतनी अच्छी नहीं है, मजबूती कम रहती है इसमें थोड़ा सा, ये हल्की वाली होती है। दूसरी एक और गिट्टी आती है अलग तरह की, वो ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन अभी हम यही यूज़ करके दिखा रहे हैं आपको। और ये बहुत ही मजबूत है अंदर से, इसलिए हमें कुछ ना कुछ साथ में लगाना पड़ता है साथ में, या ऊपर निकल जाती है रह जाती है, इसे काटना पड़ता है। आप देख सकते हैं इसको एक्स्ट्रा नहीं रख सकते, नहीं अगर ऐसा रख लेंगे तो हम प्रॉपरली इसे टाइट नहीं कर पाते हैं, वहाँ परेशानी आती है। पूरा सीमेंटेड ब्लॉक है जिसमें हमने छेद किए हैं, छत में नहीं कर रहे हैं हमें, वैसे वैसे वॉल पे या छत पे ही करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसे हम एडजस्ट करेंगे बाद में। आपको 9 ईस्ट का और 21 का 24 पे जो भी आते हैं वो सारे चैनल से हम इस पर सेट करना चाहते हैं, और 38 ईस्ट भी मैं आपको एक बार सेट करके बताऊंगा इस पर, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसलिए इसी पे सेट कर रहे हैं हम ये अभी हम। अगर लेकिन आपको सेट करना परमानेंटली तो उसके लिए आप किसी छत पर या वॉल पर करें। और जैसा कि मुझे लगता है आप सभी को ये जो प्रोसेस है हमारा टाइट करने का वो ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आप भी इसी तरह से कुछ बना लीजिएगा अपने ड्रिल के साथ में, जिससे आप अच्छे से टाइट कर सकते हैं बहुत जल्दी से और बहुत ही स्पीड से। और अगर नहीं बना पाते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक बार हमारे से भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर ये लेना है तो 8 mm का जो बिट है उस पर लगाया हुआ है, हम आपको ये भी भेज सकते हैं बना बनाया, लेकिन जहाँ तक हो आप अपनी खुद बनाए तो ज़्यादा आप सीख पाएंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। सारा काम नीचे का भी, आप फर्स्ट जो दो वोल्टेज है उनको खस लिया हमने अच्छे से, आफ्टर दैट नीचे जो है इनको हम सोच रहे हैं कि थोड़ा और भी जो है 138 और 79 को भी हम यहाँ पे सेट कर सकें, इसलिए हमें थोड़ा 90 एंगल से थोड़ा सा चेंज करके हम लगाएंगे इसे, थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी अभी इस पे सेट करने के लिए कुछ इसको सीधा करना है हमें, जो सीधा हमने कर दिया है आपके सामने इस साइड, ये देखिएगा इस तरह जगह नहीं थी तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, आप समझते हो कि ज़िंदगी एडजस्टमेंट पे ही चलती है, कुछ ना कुछ एडजस्ट हर जगह करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने इसे ठीक करके और निशान लगा लिए हैं, और उस निशान पे हम छेद करेंगे, देखिएगा निशान।
छेद होने के बाद में झट से हमने जो बिट चेंज कर लिए हैं, हमारा जो कसने का जुगाड़ है वो हमने लगा लिया है। और इसके बाद में इस तरह से ये जो बेस्ट वाली गिट्टी है जिसको हम प्रॉपरली सेट कर पाते हैं, ये अलग से हमें लेनी पड़ती है अगर आप कहीं यूज़ करनी होती है तो वहाँ पर, तो हमने वो लगा लिया है और इसको इस तरह से कस रहे हैं। पूरा कंप्लीट मजबूत यहाँ पे हो जाएगा ये। उस तरफ हमने कर दिया था, इसको दूसरे को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और इस हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि ये प्रॉपरली ये थोड़ा ठीक हो जाए, ऊपर 90 पे रहे थोड़ा बहुत उस हिसाब से, तो इसे थोड़ा सा हम सेट करेंगे उस हिसाब से। किसी भी डिस्क के प्रॉपरली एंगल आप देखना चाहते हैं, प्रॉपरली अगर उस पर जो लिखी हुई है उसी हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए 90 होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो वो एडजस्ट प्रॉपर नहीं होता है। इसमें थोड़ी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ और सैटेलाइट को भी सेट करें, इसलिए कुछ चेंजेस इसमें कर सकते हैं। अभी 90 हो चुका है लगभग, लेकिन थोड़ा सा जगह हमने रखा है इसमें। अब ये देखिएगा निशान, अभी हम ब्लॉक को घुमाकर इस तरफ कर रहे हैं जहाँ पर अपना 90 बैठे और वो जिस तरफ हमें 75 करना है, तो 75 की सेटिंग इस तरफ है, डीडी इस तरफ है, थोड़ा सा सामने वो देख रहे हैं वो भी डीडी पे लगा हुआ है, तो अभी हम इसे 75 पे करेंगे। यहाँ पर ये है 75, सामने वाला डीडी है और ये 75 है इससे अप्रॉक्स में। तो हम सेटअप करते हैं, आपको अभी मीटर से दिखाते हैं किस तरह से सेटिंग करनी होगी। अगर आपको सेटअप बॉक्स से करनी है तो जो फ्रीक्वेंसी हम मीटर में बता रहे हैं वही आप ऐड प्रोग्राम में जाकर वहाँ पर सेटअप कर सकते हैं और वहाँ पर डालकर आप इसे चैनल को सर्च कर सकते हैं। ये MPG2 और MPG4 दोनों में वर्क करेगा। हम यहाँ पे अभी देखो सेट पॉइंटर हमने लगा लिया है। अगर आप डिस्क यूज़ करते हैं और सेटिंग करना चाहते हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि सेट पॉइंटर ज़रूर आप ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर उससे बहुत सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप नए नए सेटेलाइट्स को स्कैन कर सकते हैं। यह सेट फाइंडर होता है, ज़रूरी इसलिए होता है कि इसमें सारी डिटेल्स हमें मिल जाती है कि कौन सी जगह सेट पर नया सेटेलाइट है या नहीं है। तो हमने इस तरह से ये पहले सेट फाइंडर लगाया है। सेट फाइंडर लगाने के बाद में ABS का जो सेटेलाइट है उस पर ओके किया है और यह देख लीजिएगा TP जो है वो देख लें आप इसमें एक बार अच्छे से, मैं आपको TP बता देता हूँ। ये जो हमने जिस पर अब सेटिंग करने हैं 11734 44000 और जेंटल और 22 के ऑटो हमने रखा है, LM भी दिखा रहा है और ये हमने कर लिया है। करने के बाद में यहाँ पर मीटर लगा दिया है और ये जो केबल जा रही है इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि LMB जो हमने है बिल्कुल नीचे की तरफ रखा है, नीचे ज़मीन को देखता हुआ तार बिल्कुल नीचे जा रहा है। ये आपको रखना है ABS सेटअप करने के लिए और जब ये हो जाता है उसके बाद में डिस्क हम एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम आपको वीडियो कौन से लेके जो DD फ्री डिस्क है वहाँ से लेके आते हैं कि कहाँ पर DD फ्री डिस्क है। अभी मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, अच्छे से बताते हैं कि डीडी फ्री डिस्क कहाँ पर है। ये देखिएगा, ये डीडी फ्री डिस्क सेट हो चुका है डीडी से। डीडी फ्री डिस्क देखिएगा, डीडी फ्री डिस्क सेट हो चुका है यहाँ पर। LMB हमारी थोड़ी चेंज है लेकिन वो सिग्नल उसका मिल जाता है लगभग। सेट फाइंडर उसको भी बता देता है। ये वीडियो कौन? टाटा स्काई। और यहाँ पे जब ये बिल्कुल सीधा हो जाता है और थोड़ा अप चला जाएगा, ये देखिएगा इनसे थोड़ा अप चला गया वहाँ पे ABS हमारा मिल जाता है। ये देखिएगा मीटर में दिखा देते हैं आपको,
और यही आप अपना जो टीवी और सेटअप बॉक्स है उसमें ये फ्रिक्वेंसी डालकर देख सकते हैं जो हमने डाली है। यहाँ पे देखिए 6 dB का सिग्नल है और 39% हमें मिल रहा है अभी, थोड़ा भी और। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने पूरा एक एंटीना सेटअप बता दिया है, लेकिन इसके बाद में हम नीचे टीवी पर बताएंगे कि किस तरह से चैनल आ रहे हैं, किस तरह से स्कैन हो रहे हैं। और टीपी जो हमने बताई है वो एक स्ट्रॉन्ग टीपी नहीं थी, नॉर्मल टीपी हमने सेट की, और भी स्ट्रॉन्ग टीपीज की जानकारी हम आपको दे देंगे। तो अब आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे टीवी के पास चल रहे हैं दोस्तों। टीवी पे हम आपको पूरे सिग्नल चेक कराएंगे और चैनल बताएंगे कि ABS के चैनल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्या आपको पता नहीं रहेगा, क्या आप ये सोचोगे ऐसे फर्जी, लेकिन हम आपको टीवी पे भी चेक करवाएंगे। तो अब चलते हैं, साथ ही हमको कुछ और स्पेशल जानकारी हमें आपको यहाँ पे दे देते हैं एक साथ ही में कि अभी सेट हो चुका है, स्कैन हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन कुछ और चीज़ें भी आपको बता रहे हैं। तो अभी आप बने और आपको बताते हैं। दोस्तों हमने इस ब्लॉग पे इसलिए कसा कि हम मनचाहे जो सैटेलाइट सेट कर सकते हैं दीवार में, तो क्या कोई दीवारें आगे आ जाती है तो सेट नहीं हो पाता है। ब्लॉक के अंदर क्या हम कोई सा भी सैटेलाइट के लिए कैसे भी हम घुमा सकते हैं डिस्को, और ब्लॉक को उठा के दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने डिस्को निकाल के ब्लॉक पे कसी है। तो अभी आप देखिएगा, हम चैनल इसको बताते हैं नीचे जाकर कितने चैनल आ चुके हैं हमारे पास में, और वो आपके पास में भी आ सकते हैं। MPG2 और MPG4 दोनों ही सेटअप बॉक्स में ये हो सकता है। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा और हमें बता दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट वीडियो संडे को आपको इसी तरह का मिलेगा। कमेंट्स में आप हमें बताएंगे कि कौन सा, किस तरह का आपको, कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो हमें ज़रूर से बता दीजिएगा। देखिएगा आगे चैनल लिस्ट में, जिसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। के लिए अभी हमने MPG2 सेटअप बॉक्स निकाला है आपको, जैसा कि देख सकते हैं MPG2 का सैमसोनिक का है सेटअप बॉक्स, जो हमने अलग से निकाला है अभी, और उस पर हम आपको चैनल लिस्ट दिखा रहे हैं। आप देखते जाइएगा किस तरह से सारे चैनल्स हम यहाँ पे स्कैन करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि चैनल आए हैं या नहीं आए हैं। यहाँ पर एड प्रोग्राम से करके आप वो भी कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप सेट फाइंडर से सर्च कर ले, ज़्यादा बेटर होगा, और उसके बाद में टीवी पे देख सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू क्या आपका, ओल्ड डिलीट, सबसे पहले सारे चैनल हमने डिलीट कर दिए हैं जो इसमें थे, उसके बाद में जैसा कि हमने 22 के ऑन किया है और फिर सर्च करते हैं, देखिएगा ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद में डिस्क स्विच हमने कोई नहीं लगाया, डायरेक्टली चालू किया है। प्रोग्राम सेटअप पे ओके करेंगे, यहाँ पर ऑटो स्कैन पैरामीटर पे ओके, ये है, इस पे ओके करेंगे। नेक्स्ट करते हुए ओके बटन हमने प्रेस कर दिया है, स्कैन होगा। 22 के अभी ऑन रखा है, और जैसे कि अभी जब सेटअप कर रहे थे तो 22 के ऑटो रखा था, क्योंकि मेट्रो ऑटो सपोर्ट करता है दोनों तरह से, जैसा चाहें हम कर सकते हैं। टीपीज अगर आप चाहें तो कुछ टीपीज यहाँ पे MPG2 की जो यहाँ पे हमें मिलेगी वो आप देख सकते हैं, नहीं तो आपने जैसा कि ऊपर जो टीपी देखी थी वो आप यूज़ कर सकते हैं, 11734 हॉरिजॉन्टल 44,000, वो आपका अच्छा टीपी है जो भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा वो भी अच्छा चलता है। और मैं आपको साथ ही बता दूं कि ABS का जो सिग्नल है वो बहुत ही कम क्वालिटी में मिलता है, लेकिन इस पे अगर आपका सिग्नल 5-6% भी होगा और सिग्नल आ जाते हैं तो प्रॉपरली लॉक हो जाता है, वहाँ पे आपको सभी चैनल चलने लग जाते हैं। चैनल लिस्ट आप देख रहे हैं कितने चैनल आते हैं वो आप खुद काउंट कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा 66 चैनल हमने अभी स्कैन कर लिए हैं 22% पर, और आप देख सकते हैं और भी चैनल अभी हमें मिलेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप MPG4 का सेटअप बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो ये ट्रेस स्पोर्ट के नाम से जो चैनल है ये चैनल हमें मिलता है अलग से MPG4 में, और वहाँ पे वो वीडियो चैनल है, लेकिन यहाँ पे ऑडियो चैनल यानी कि रेडियो चैनल बन चुका है। सेलिब्रेशन टीवी और ABS कॉर्पोरेट वीडियो, SBN इंटरनेशनल, कुछ चैनल इसमें रशिया के भी ऐड हुए हैं। टोटल चैनल लिस्ट कितनी होती है वो आप अभी देख के बता सकते हैं कि कितनी हुई है, और टीपीज की इन्फॉर्मेशन जैसा कि ऊपर भी आ रही है, ये जो टीपी है MPG2 के लिए, MPG4 की टीपी हमने ऊपर यूज़ की थी जो आप में ले सकते हैं। MPG2 में जिसके 41-44 सिंबल रेट 2000, वॉलरिटी वर्टिकल, ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। नो नेम पे ज़्यादातर इसमें मिल रहे हैं, और अभी आपको यहाँ भी मैं बता दूँ कि कुछ चैनल इसमें आपको थाईकॉम के भी मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छे हमें सिग्नल मिल रहे थे तो वहाँ पे हो सकता है थाईकॉम भी हमें मिल जाए। तो देखिएगा कैनल 10 एशिया भी आ चुका है, डे स्टार भी आ चुका है, SBN इंटरनेशनल है, और 80% तक और कोई चैनल ऐड नहीं हुआ है। 74 चैनल अभी टोटल हो चुके हैं, और आप
खुद देखेगा कि चैनल किस तरह से ऐड होते हैं इसमें। एमपीजी फॉर सेटअप बॉक्स में स्कैन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस तरह से स्कैन करते हैं और कितने चैनल उसमें मिलते हैं और कौन कौन से चलते हैं। तो चैनल लिस्ट अभी हम सेव करते हैं और आफ्टर दैट बैक बटन करते हैं। ये नो नेम का चैनल है, कोई जानकारी इस पर नहीं है। और सबसे पहले ऑडियो हम बंद कर देते हैं क्योंकि ऑडियो से कॉपीराइट का सबसे बड़ा समस्या रहती है। तो ऑडियो हम आपको कम करके दिखाते हैं। ये अभी लाइव प्रसारण है, जैसे कि तिरुवंतरम या किसी जगह से मंदिर से हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। ABS कॉर्पोरेट वीडियो है, जो ABS का जो कॉर्पोरेट है वहाँ से ये आता है। ये सारे रशिया के चैनल हैं, ये चर्च भी रशिया का चैनल है, TBN भी रशिया का चैनल है। फ्रीक्वेंसी आप जैसे कि नीचे देख सकते हैं, जो आप DD न्यूज़ है, DD स्पोर्ट्स है। और जो कहते हैं कि अभी ये जो है ABS बंद हो जाएगा, उनके लिए ये सबसे बड़ी बात है कि DD नेशनल और DD स्पोर्ट्स जब इस पे आ रहे हैं तो कहाँ से ये बंद हो सकता है? गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है तभी तो ऐसा है। हो सकता है लाइसेंस फीस इन्होंने जमा नहीं कराई हो, फिर भी ये यहाँ पे प्ले हो रहे हैं। जैसे कि अभी कोलकाता TV, अगर आप चाहते हैं साउथ के कुछ चैनल देखना तो वो भी बहुत सारे चैनल इसमें आपको मिल जाते हैं। भोजपुरी सिनेमा यहाँ पे मिल रहा है, 9XO मिल रहा है, अंजन TV मिल रहा है, मस्ती मिल रहा है, मस्ती अच्छे से चल रहा है इसमें। माई भी बॉली भी अच्छे से चल रहा है। हाउसफुल मूवीज, यहाँ पे मूवीज के चैनल हैं, दिल लगी है, धमाल है, दबंग है और जनसरीहा। और मैं आपको बता दूं, अभी तक देखिए आपने देखा है कोई भी चैनल रिपीट नहीं हुआ है, सब अलग अलग चैनल चल रहे हैं। और न्यूज़ टाइम, संगीत बंगला, ABC, आकाश बंगला, R+, धूम, मनोरंजन महुआ, संगीत भोजपुरी, देखिए संगीत के दो चैनल आ चुके हैं, भोजपुरी और बंगला, म्यूजिक इंडिया, TV5, वाव सिनेमा, तेलुगु TV9, ग्रीन TV, महा मूवीज का चैनल है, PTC न्यूज़ पंजाब का, संगीत मराठी, तो मराठी में संगीत आप सुन सकते हैं, श्री संकरा और R+ Gold, बिफोर यू मूवीज, म्यूजिक ऐप, 24 घंटा, पराग TV, डी बंगला, DD मलयालम। तो अब देखिएगा DD के कितने सारे चैनल हैं, PTC चकदे, PTC न्यूज, 9X, PTC पंजाबी, पब्लिक TV और पब्लिक म्यूजिक, सहारा फिल्मी, फिरंगी, सहारा वन, सहारा नेशनल, सिनेमा TV, लाइव टुडे और नो नेम। ये चैनल है जिसपे अभी कोई सिग्नल हमें मिल रहा नहीं है, नो नेम का है। और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर DD स्पोर्ट्स है और ये जो TP है, आप चाहें तो MPG2 में आप ये सर्च कर सकते हैं, 3839 ओरिजेंटल 44,000। MPG4 के लिए हमने पहले बता दिए तो आप ये देख सकते हैं, और ये कुछ चैनल और ऐड हो जाएंगे अगर आप MPG4 यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं और किस तरह से आप बनवाना चाहते हैं, तो वो सारी जानकारी आप कमेंट में बताएंगे। तो ऐसा ही और भी वीडियो आपको मिलने वाला है नेक्स्ट संडे को, और बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा वीडियो आपको मिलेगा।